हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे टिप्स। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करें, इसके पहले मैं आपको ऐसे पांच टिप बता दूं जिसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इन पांच ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपने अनुभव से आपको ये पांच चीज़ें बताऊंगा जिसका आप यूज़ करके अगर इन चीज़ों को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस की। अगर आप इन टिप्स को याद रखेंगे और अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। याद रखना है इन टिप्स को, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना टाइम गवाए। फर्स्ट टिप्स, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग याद रखिए, मेन थिंग, नेवर चीट योर कस्टमर। फर्स्ट थिंग, कभी भी अपने कस्टमर को चीट मत कीजिए, क्योंकि वही आपके कस्टमर है जो आपको प्रॉफिट रेवेन्यू कमा के देते हैं। अगर आप उनको अब चीट करेंगे तो फ्यूचर में कभी भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन थिंग जो फर्स्ट टिक है, नेवर चीट योर कस्टमर। अब बताता हूँ मैं दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, जैसे कि आप अमेजोन पर सेल कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट कहीं भी, तो सबसे मेन थिंग याद रखिए आपकी कभी भी दूसरों की लिस्टिंग को मैपिंग, यानी कि जो अदर्स ब्रांड जो सेल कर रहे हैं, कुछ अदर जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी मैपिंग मत कीजिए। उससे हुआ क्या, क्योंकि उसको कभी ना कभी आपको कंप्लेंट मिलेगी, और कंप्लेंट मिलने से क्या होगा, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो सेकेंड थिंग ये, वो हमेशा याद रखिए, कभी भी दूसरों के प्रोडक्ट को मैप मत कीजिए और सेल मत कीजिए। अपनी खुद की लिस्टिंग बनाइए, खुद की मेहनत से जो है कीजिए, क्योंकि मेरा इसमें कहता है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने खुद अपनी लिस्टिंग की थी। स्टार्टिंग में मैंने भी गलती से मैप किया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि कभी भी दूसरों की मैपिंग की हुई प्रोडक्ट सेल नहीं करनी चाहिए। हमेशा खुद के प्रोडक्ट की लिस्टिंग कीजिए, खुद अप्लाई कीजिए, खुद लिस्ट कीजिए, खुद अपलोड कीजिए, और सेल भी आपको मिलेगी डेफिनेटली आज नहीं तो कल। थर्ड थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी, तो जब सबसे मेन थिंग आपको याद रखनी है जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा, लेट डिस्पैच रेट, यानी कि जब भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, जो आपको ऑर्डर शिप करने होते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस डेट के पहले ही आप प्रोडक्ट को शिप करें। उससे होगा क्या कि आपका अकाउंट का हेल्थ मैनेज रहेगा, आपका अकाउंट हेल्थ ऑलवेज मैनेज रहेगा और विद इन द लिमिट में रहेगा, उससे आपके अकाउंट पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप प्रोडक्ट की लेट डिस्पैच रेट अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने भी इसे बहुत फेस किया है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे और मुझे इन सब के बारे में नॉलेज नहीं था। आज मुझे उसके बारे में नॉलेज है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कभी भी याद रखिए, लेट डिस्पैच मत कीजिए, अपने प्रोडक्ट को ऑन टाइम कीजिए, उससे आपका अकाउंट और आपकी विजिबिलिटी और बढ़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं तो सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बात है कि आपको जो भी ऑर्डर मिलते हैं उनको कभी भी कैंसिल मत कीजिए। जैसे कि अगर मेरे साथ हुआ था, क्या होता था कि जो मेरी इन्वेंट्री होती थी या मेरे पास अवेलेबल है 10 पीस, तो बाई चांस मैंने अगर गलती से कर दिया है 12-15, तो क्या होता था, जब एट द टाइम ऑफ ऑर्डर मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होती थी, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना होने की वजह से बहुत बार मुझे कैंसिल भी करना पड़ता था। तो ये गलती आप ना दोहराएं, आपके पास अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ही उसे अपलोड कीजिए, और कभी भी ऑर्डर को किसी रीज़न की वजह से कैंसिल मत कीजिए। ऑर्डर कैंसिलेशन रेट अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर कभी भी कैंसिल मत कीजिए, उसकी वजह से आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। ये भी बहुत बहुत ही मेन टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। सबसे लास्ट बताता हूँ कि कभी भी ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसकी इनवॉइस रखिए। जो भी आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं तो उसकी कॉपी हमेशा रखिए, क्योंकि अगर आपको गलती से भी इन ऑथेंटिकेशन कंप्लेन आ गया, कुछ भी ब्रांड के रिगार्डिंग कंप्लेन आ गया, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो ये थी पांच टिप जो मैं आपको बताई, जिसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट एक 6 बोनस टिप देना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है आपको बहुत काम आएगी। आप अगर ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए क्वालिटी प्रोडक्ट ही सेल कीजिए। कुछ भी ऐसा चीप प्रोडक्ट मत बेचिए जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाए, आपके पास दोबारा ना आए। तो ये सबसे मेन टिप है कि आप कभी भी याद रखिए क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचिए,
भले एक बार आपको कम मार्जिन हो रहा है लेकिन फ्यूचर में आपको ज़्यादा मार्जिन हो सकता है। ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, इवन प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है तो भी चलेगा लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। कुछ भी चीप प्रोडक्ट मत कीजिए क्योंकि वो दोबारा कस्टमर आपका लौट के नहीं आएगा। अगर आपको आपका ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है, आपका कोई भी बिजनेस ग्रो करना है, तो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस ऑनलाइन ई कॉमर्स के रिगार्डिंग बनाता रहूंगा और आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।